अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके लिए लेके आए एक बेहतरीन पेशकश। सुनो चंदा, एपिसोड 8 पार्ट 1 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं। अल्लाह मुझे भी जान को सारे मेरे अरमानों का खून कर दिया उन्होंने। क्यों मुझे काफी हैरत आ रही है उन पर। सो क्या गए हुए उम्र में आके आपको भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था। कैसे ले सकती हैं इतना बड़ा फैसला? तो इतना बड़ा मुंह खोल के ऐलान नहीं करना चाहिए था ना। किसी और के भी जज्बात होते हैं। ऐसा तो बोले कोई सुन लेगा? सुनने तो सुनी। मेरा दिल इतना खराब हो रहा है। अब तुम देखना, और अब्बा जो है ना सुबह शाम मेरी बेटी बिलीत करेगा। और बाबा की फिक्र ना करें, वो बिल्लो आंटी है ना, पूरा उनका मूड सेट करके जाएंगे। बिल्लो हाँ है, बड़ी टैलेंट वाली। मूड सेट करके जाएंगी। दस है बिल्लो आंटी। और देखो बगीचे में जलाल अंकल आने चाहिए हमें, तब मजा आएगा। आ गए। जमशेद बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है। क्यों जलाल जी? आप जैसे खूबसूरत ज़हीन हसीन बड़ी लिखी लड़की को छोड़कर चाहना भाभी जैसी औरत को ब्याह कर लाए, करने का तमीज था। सबके किस्मत का खेल है ना जलाल जी। आपकी वजह से रुक गया मैं। अब्बा मजनू कहा करते थे कि गर्मा गर्म जलेबियों में मेरी बिल्लो रानी की तो जान है। वो भी कितने सुहाने दिन थे ना। याद है चढ़ गया था तुम्हारी। और याद है खाला ने अपनी चप्पल से कैसी पिटाई लगाई थी तुम्हारी। हाँ वैसे बचपन में तुम्हारी वजह से बड़ी मार खाई थी। आओ ना अंदर चलते हैं, गरम गरम जलेबी है। अंदर चलो। गरम गरम है। ओ भाई कुछ बना रही है आंटी, तो भूख लग रही है। ऊपर से आंटी ऐसे दिखा रही है चीजें। वाह क्या बात है, पकौड़े बन रहे हैं। तो तुम शहाना भा आंटी के बारे में ऐसे बात कर रहे थे। आज गर्मी कितना। वैसे भाभी आपके साथ ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्या मतलब? वो हमारा अमशीरा, थोड़ा ध्यान रखा करो। किस चीज पे? जलेबी के लिफाफे पर। आए हाय जलाल भाई जन, कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ बोलो ना। जलेबी के लिफाफे भर भर कर ला रहे अपनी साबिका मंगेतर के लिए। पेड़ा तार जाए उस बिल्लो मादरी के लिए। बिल्लो रानी बोलते हैं। आपको किसने बताया? अपनी गुनाहगार आंखों से देखा जलेबी के लिफाफे और गुनाहगार कानों से सुने बिल्लो रानी। बस जलाल भाई जन आप देखना, मैंने इन दोनों की ऐसी की तैसी फेरनी है ना कि पूरे जहान ने देखना। जरूर करना भाभी, जरूर करना। लेकिन हमारा नाम मत बताना, वो जमशेद भाई तो पहले ही हमारा दुश्मन बना बैठा है। हाय क्या हो गया जलाल भाई जन, मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ पर मुंह नहीं लूंगी मैं आपका नाम। हमको आपसे दिली हमदर्दी है, आप बिल्कुल हमारा अमशीरा की तरह हो। और उसके बाद हम दोनों का दुख भी तो एक जैसे ना। केड़ा दुख? हम दोनों गैर हैं, हमारा ताल्लुक इस खानदान से नहीं है, ना आपका ना मेरा। ये हमको अपना नहीं समझते, गैर समझते। गलत में कभी सोची नहीं, पर बात आपने सुना ने सच की, पर कितनी को रसवाई की बात है। सही बात, सही बात। खाना उतरी भाई जलेबी डाल देना। हां ठीक है साहब, जलेबियां भी निकाल देती हूं प्लेट में और उसके ऊपर ना थोड़ा जहर भी छिड़क देती हूं ताकि खा के पुड़क के मर जाए और मेरे कलेजे में पड़ जाए ठंड। चलिए अभी निकाल जाना। अच्छा ये इफ्तार में
निकाल देना हफ्ते से। भाई वो डेंजर है यार, जलाल अंकल क्या डेंजर है यार। है सोच सकते हैं, वर्किंग करनी पड़ेगी।
दिमाग खराब हो गया शनो का, मुझसे ऐसे नीक लाए फिर रही है जुठानी साहिबा। हाँ मासूमा बता रही थी कि उसे बड़ी तकलीफ है कि तुम बिल्लो से घुल मिलकर बात क्यों कर रही हो। बीजान तो मैं क्या करूं, बिल्लो मेरी कजन है, अब मुंह सुझा के बैठ जाऊं उसकी तरह। अब उसमें इतनी अकल कहाँ है। अब देखो ना, बच्चों की शादी सर के ऊपर खड़ी हुई और वो नई कहानी खोल के बैठ गई। मैं आपको बता रही हूँ, मेरा कुछ भी गलत नहीं कर रहा, सारी शॉपिंग सर पर रहती है शादी की। देखो तुम समझदार, तेरा अकल से काम, अब शादी की तैयारी करो, बेटी वाली हो तुम। ठीक है बीजा। अरे बाप रे, अहदे वफा में ये अंकल ऐसी बोली बोलते हैं। रिएक्शन ऑन सुनो चंदा एपिसोड नंबर 8 पार्ट 1, बहुत इंटरेस्टिंग था ये, मजे भाई मजा आ गया देख के। एंड अभी आगे देखना कि आगे क्या होगा, कुछ ना कुछ कांड तो पक्का होगा क्योंकि अरसल और जिया कुछ तो प्लानिंग कर रही हैं। एंड बट वो तो चलो ठीक है भाई, जलाल अंकल भाई साहब भाई उनको जितना मर्जी देख लो मन नहीं भरता यार, वो जिस तरह से बोलते हैं जो बोलते हैं भाई सब अच्छा लगता है, और ऊपर से छन्नू आंटी वो भी अच्छी लगती है भाई। सारे इस सुनो चंदा मेरा फेवरेट है, फर्स्ट नंबर पे सुनो चंदा कॉमेडी जॉनर में, अगर कोई कॉमेडी जॉनर में अगर आप मुझे बोलोगे ना सबसे बेस्ट तुम्हें कौन सा लगता है, मैं सुनो चंदा को पहले नंबर पे रखूँगा। सो गाइस चुपके चुपके हाँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।